आदाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार के साथ मैं हूं मोनिस अनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। रांची यूनिवर्सिटी में स्टार्टअप कॉन्क्लेव का हुआ आयोजन, बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। अग्निवीर योजना को लेकर हमलावर बनी कांग्रेस, कहा आत्महत्या करने पर मजबूर हुए अग्निवीर। झारखंड में पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ आजसू का हल्ला बोल, मौजूदा सरकार को जमकर घेरा। जमशेदपुर में मनाई गई श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती, बीजेपी लीडरान ने चित्र पर किया माल्यार्पण। और राज्यभर में वन महोत्सव की शुरुआत, एक पेड़ मां के नाम अभियान किया गया शुरू। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची यूनिवर्सिटी परिसर के आर्यभट्ट सभागार में फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित सृजन स्टार्टअप कॉन्क्लेव में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य में जो भी उद्योग हैं और जो भी नए उद्योग आने वाले हैं, उसके प्रति सरकार की सकारात्मक सोच है। राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हो, अधिक से अधिक रोजगार के मौके पैदा हों, हमारी सरकार उद्योगों और उद्योग स्थापित करने वालों को पूरा सहयोग करेगी। अपनी ओर से जोहार करता हूं कि आप लोगों ने ये एक प्रयास किया कि इस राज्य में कैसे उद्योग बढ़े, कैसे छोटे बड़े मंझोले उद्योग स्थापित हों, गांव में कैसे लोग रोजगार से जुड़े, खुद भी रोजगार करें औरों को भी रोजगार करें। झारखंड के बदलते स्वरूप को आप लोगों ने बहुत करीब से अनुभव किया है। यहाँ के हर चीज, यहाँ के हर एक सामाजिक सांस्कृतिक भौगोलिक सभी चीज़ों से आप अवगत हैं, और तो मैं समझता हूँ कि जितने बेहतर तरीके से झारखंड चैम्बर कॉमर्स के लोग इस राज्य को समझ पाएंगे, वो मुंबई गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग नहीं समझ पाएंगे। तो मुझे बिल्कुल इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आपके साथ मिलकर इस राज्य के सर्वांगीण विकास की जो रास्ते हैं उसको तय करने का हमारा भी एक उद्देश्य है। और अभी आपने मंच से बताया गया कि सरकार ने स्टार्टअप पॉलिसी भी बनाई है, अभी हमने उसको बेहतर तरीके से नहीं देखा है, और निश्चित रूप से आप लोग आश्वस्त रहें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी करनी बाकी है। झारखंड प्रदेश तो कहा जाए कि आज के दिन में बिल्कुल इस क्षेत्र को लेकर बहुत चिंताएं नहीं की जा सकी, लेकिन ये भी बात सही है कि आज़ादी के बाद हमारे देश के नीति निर्धारकों ने इस राज्य के प्रति बहुत उनकी संवेदनाएं रही हैं, और शायद इसीलिए इस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा उद्योग बोकारो में लगा। आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो के निर्देश पर पूरे राज्य के ब्लॉक और जिला मुख्यालय पर राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आजसू ने हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत सरकार को सचेत और जनता को जागरूक करने का कार्य किया है। ये कार्यक्रम जिला मुख्यालय के समीप आयोजित किया गया था। आजसू के विधानसभा प्रभारी अशोक गहलोत ने बताया कि यह कार्यक्रम आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के निर्देश पर जिले के सभी प्रखंड और जिला मुख्यालय में आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा कि राज्य की सरकार में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा है और सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। यहाँ संचालित मनरेगा योजना में पारदर्शिता नहीं है, छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है, किसानों को वक्त पर बीज खाद और खेतों में पानी नहीं मिल रहा है। प्रदेश के पूरे सभी ब्लॉकों में हल्ला बोल कार्यक्रम भ्रष्टाचार के खिलाफ, वर्तमान सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ ये हल्ला बोल कार्यक्रम किया जा रहा है। उसी के तहत
चतरा विधानसभा के, चतरा जिला के तमाम प्रखंडों में हम लोगों ने हल्ला बोल कार्यक्रम करके प्रखंड विकास पदाधिकारी को 11 सूत्री का मांग हम लोग ज्ञापन सौंपा। आज 6 तारीख है, आज का समापन दिन है। आज चतरा के जिला मुख्यालय में हम लोग हल्ला बोल कार्यक्रम के माध्यम से माननीय DC महोदय को 11 सूत्री। PGT एग्जाम में भ्रष्टाचार और धांधली के खिलाफ छात्रों का धरना और प्रदर्शन लगातार जारी है। स्टूडेंट ऑफ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने आज इन इम्तिहानों में पारदर्शिता की मांग को लेकर मोहराबादी मैदान से राजभवन तक पैदल मार्च निकाला और गवर्नर को मेमोरेंडम सौंपा। गवर्नर को सौंपे गए ज्ञापन में मांग की गई है कि NTA की भूमिका इन इम्तिहानों के रिजल्ट के बाद कहीं ना कहीं धूमिल हुई है, लिहाजा छात्र हितों में ज़रूरी है कि NTA की मान्यता रद्द कर किसी ऐसी एजेंसी को ये जिम्मेदारी सौंपी जाए जो छात्रों के भविष्य को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। आइए आपको दिखाते हैं रांची से मुंसिफ TV के नुमाइंदे मोहम्मद अनवर हुसैन की एक खास रिपोर्ट। नीट PGT में भ्रष्टाचार का मामला दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर SIO से जुड़े छात्र हैं जिन्होंने आज नीट में बदउनवानी के खिलाफ गवर्नर से मुलाकात की, उन्हें मेमोरेंडम सौंपा और इस भ्रष्टाचार मामले की जांच का मुतालबा किया है। हम सीधे बात करते हैं SIO के से जुड़े एक छात्र से और पूछते हैं कि इन्होंने राजभवन से मिलकर क्या बातें की। मेरा नाम नदीम है, मैं शिक्षा सचिव हूँ झारखंड प्रदेश का SIO का। तो हम लोगों ने जो नीट का मामला है, नीट परीक्षा का मामला है, उसके लिए पहले तो केंद्र से जब ये मामला शुरू हुआ हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया और केस अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। लेकिन सरकार जब सुनने को तैयार नहीं हुई कि ये मामला तो भ्रष्टाचार हुआ है, पेपरली हुआ है, हम लोगों ने राज्य के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट करके ये बताने की कोशिश की कि सच में ज़मीन से जुड़े हुए जो लोग हैं, शिक्षक तैयारी कराते हैं अपने बच्चों की, नीट की तैयारी कराते हैं, परीक्षा की तैयारी कराते हैं, अलग अलग संस्थानों में भेजते हैं कि बच्चे उनकी तैयारी करके मेडिकल डॉक्टर बने। तो जब उनके जो मुद्दे हैं उनको हम सरकार तक सुनाने की कोशिश के लिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए थे। तो हम लोगों ने इससे पहले अलग अलग जो संस्थान है जहाँ नीट की तैयारी कराई जाती है, जब नीट के प्रिपरेशन करते हैं, वहाँ हम लोगों ने सिग्नेचर कैंपेन कराया और उन सिग्नेचर कैंपेन को लेकर हम लोगों ने आज मोराबादी से लेकर राजभवन तक मार्च किया और फिर जो हमारे ये हैं राज्यपाल हैं उनको ज्ञापन सौंपा और साथ साथ सिग्नेचर सौंपा। हमारा जो बेसिक डिमांड है वो ये है कि जो नीट का परीक्षा है, ये नीट के अलावा जो और भी परीक्षा है जिसको NTA कराता है, वो जो जिस जो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुए हैं, जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, जो एग्ज़ाम रद्द हुआ है, उसके साथ साथ जो एग्ज़ाम लीक हुआ है पेपर, उस पर NTA कहीं ना कहीं एक कमज़ोर नज़र आ रहा है, कमज़ोर इन द सेंस की वो उसको सही से कराने के लिए सक्षम नहीं है। तो हम डिमांड जो कर रहे हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि नीट जो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसको NTA की जगह कोई और बॉडी बनाए सरकार और वो एग्ज़ाम उसके जगह उससे कराया जाए। तो नीट NTA को स्क्रैप करके एक नई बॉडी बनाई जाए जिसके साथ जिसके ज़रिए हम एग्ज़ाम को कराएं अलग अलग जो भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम होते हैं उसको। दूसरा डिमांड ये है कि जो नीट का एग्ज़ाम है जो पेपर लीक हुआ है, अगर एक बच्चे को भी उसका नुकसान हुआ और एक बच्चे को भी उसका फ़ायदा हुआ तो कहीं ना कहीं ये इंसाफ के खिलाफ है, इंसाफ के तकाजों को फुलफिल नहीं करता है। तो हम चाहते हैं कि एग्ज़ाम दोबारा से कराई जाए और दोबारा से वो बच्चे जो 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 इसके नुकसान जिनकी इसका झेल रहे हैं उनको इसका फ़ायदा हो और वो बच्चे जो अच्छे अच्छे मार्क्स ला के 650 मार्क्स ला के 670 मार्क्स ला के जो आराम से किसी सरकारी कॉलेज में जा सकते थे, आराम से किसी सरकारी इंस्टीट्यूट में पढ़ सकते थे, वो बच्चे अब सरकारी इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ सकते। तो 720 मार्क्स का एग्ज़ाम जिसमें 650-660 मार्क्स आने के बाद भी वो सरकारी इंस्टीट्यूट में नहीं जा पाएंगे, फिर वो बच्चे क्या करेंगे? जब आप जानते हैं कि लाखों लाख बच्चे नीट एग्ज़ाम देते हैं, जब कॉम्पिटेटिव जब पेपर लीक होगा, जब एग्ज़ाम इस तरह से आगे बढ़ेगा तो उन बच्चों का भविष्य क्या होगा? बच्चों का भविष्य के साथ साथ इस मुल्क का भविष्य क्या होगा? बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ के साथ साथ जब हम ये देखते हैं पेपर लीक होता है, पेपर एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होता है, साल भर बाद होता है, या राज्य सरकार में भी जब JCC का पेपर लीक होता है, जब JPSC का एग्ज़ाम कैंसिल होता है, तो एक साल कितने बच्चे हैं हमारे झारखंड में जो सालों साल प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है? जब एग्ज़ाम नहीं होता है तो उन जो पेपर है जो बच्चे हैं जो बहाल होकर कहीं पोस्ट पे या किसी एम्प्लॉयबिलिटी में आ सकते थे, एम्प्लॉय हो सकते थे, कहीं जॉब कर सकते थे, कहीं कुछ रोजगार में जुड़ सकते थे, वो बच्चे रोजगार से अभी तक छूटे हैं जिसकी वजह से मुल्क पीछे जा रहा है, हमारा जो मुल्क का तरक्की वो पीछे जा रहा है। तो हमारा डिमांड ये है कि NTA स्क्रैप करके नया बॉडी बनाया जाए, नीट के एग्ज़ाम दोबारा से कराया जाए, एजुकेशन मिनिस्टर को बदला जाए, क्योंकि हमें ये महसूस हो रहा है कि एजुकेशन मिनिस्टर कैपेबल नहीं है कि वो हमारे जो एजुकेशन की प्रणाली है, जो एजुकेशन हमारा संस्था है देश का, उसको सही तरीके से फुलफिल कर पाए। तो हम चाहते हैं कि सरकार इस पर गौर फिक्र करे और नए एजुकेशन मिनिस्टर को बहाल करे। और हमारा ये डिमांड है कि नीट की जो प्रॉब्लम हुआ, जो नीट का जो पेपर लीक हुआ, उस पर इन्वेस्टिगेशन करके उसकी जाँच कराए और जल्द से जल्द उसको सरकार इस नतीजे में पहुँचे कि कौन लोग इसमें संलिप्त है और कड़ी से सुनाई जाए ताकि आगे से ऐसा काम न हो।
आपने देखा ये SIU से जुड़े छात्र नदीम थे जिन्होंने नीट में भ्रष्टाचार मामले को लेकर यहाँ गवर्नर के पास जो है मेमोरेंडम सौंपा है और सिग्नेचर पत्र भी सौंपा है छात्रों का। साफ तौर पर इनका कहना है कि NTA जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो सक्षम नहीं है इस तरह के एग्ज़ाम लेने में। तो इन्हीं की नहीं बल्कि बहुत सारे विभिन्न छात्र संस्थाओं का ये मानना है कि NTA की जगह पर दूसरी जो है इस तरह की एक एजेंसी बनाई जाए और उसके द्वारा एग्ज़ाम लिए जाएं ताकि देश के भविष्य जो छात्र हैं जो किसान तबके से आते हैं मजदूर तबके से आते हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। रांची से मुंसिफ TV के लिए मैं मोहम्मद अनवर हुसैन। समाज में एकता और भाईचारगी को फ़रोग कैसे मिले, साथ ही मुस्लिम समाज विभिन्न स्तर पर अग्रणी फहरिस्त में शामिल कैसे हो, ये आज का दौर अहम तकाजा है। और ये बातें मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कन्वीनर प्रोफेसर डॉक्टर माजिद तालिकोटी ने आज रांची में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कही हैं। मौके पर उन्होंने रांची दौरे से संबंध में कहा कि 11 अगस्त को इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव में मैं अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूं, इसमें सारे सदस्यगण की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित हो, इस निमित्त मेरा रांची आना हुआ है। देखते हैं आगे उन्होंने क्या कुछ कहा। जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के हमारे अपने कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसमें से जो एक एम है कि हम लोग वहाँ से जो इस्लाम का जो कल्चर है, जो उसकी जो ओरिजिनलिटी है, वो हम उसको निचावर करेंगे, जिसमें आता है भाईचारा, ब्रदरहुड। वहाँ से हम लोग इंटरफेथ डायलॉग करेंगे और वहाँ पे यूथ एम्पावरमेंट, वुमन एम्पावरमेंट, और इसके अलावा जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के जो मेंबर्स हैं और उनके जो फैसिलिटीज़ हैं उसके लिए हम लोग ये करेंगे और एक ऐसी ताकत हम वहाँ पे पैदा करेंगे, क्योंकि सारे जो मेंबर्स हैं वो काफ़ी दे आर लाइक ज्वेल्स एंड पर्ल्स एंड दे आर वेरी पावर। झारखंड के हजारीबाग में मॉब लिंचिंग को लेकर एक पहल की गई है और बाद में रैली निकाली गई है, वहीं फलस्तीन और इसराइल को लेकर भी अपने बातें रखी गई हैं। क्या कुछ कहा सुनिए। सारे मुल्कों से अच्छा रिलेशन है इनका, तो ये कम से कम पहल कर सकते हैं कि ये जंग को रोका जाए, उसके लिए क्या कर सकते हैं। अपने आप को बोलते हैं कि विश्व गुरु है, तो विश्व गुरु का जो काम होना चाहिए वो करना चाहिए, वो दिखना चाहिए हम लोग को कि फिलिस्तीन और इसराइल के बीच में जो जंग हो रही है उसके लिए विश्व गुरु क्या कर रहे हैं। बस यही है, और हम लोग इस मंच के माध्यम से रिलीफ का भी काम कर रहे हैं, जो रिलीफ हम लोग फिलिस्तीन। जमशेदपुर के बुड़ाम थाना इलाके के पगदा में 10 जून को हुई राजाराम सोरेन हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या में शामिल एक महिला के साथ कुल 9 लोग शामिल थे, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद से पुलिस ने 4 मोबाइल, एक बाइक और अन्य चीज़ें बरामद की हैं। हत्या का कारण बताया जा रहा है कि मृतक राजाराम सोरेन के हत्या में शामिल महिला से संपर्क था और महिला के साथ मोबाइल और पैसे के लेन देन था, जिसे दोनों में झगड़ा हुआ और इसी क्रम में महिला ने राजाराम सोरेन पर हाथ उठाया था और वहाँ मौजूद लोगों ने महिला के साथ मिलकर उसकी हत्या कर उसका को जंगल में फेंक दिया था, जिसमें पुलिसी अनुसंधान में कुल 9 लोगों को पकड़ा गया है। वहीं पुलिस इस मामले में और कई बिंदुओं की जांच पड़ताल कर रही है। हम लोगों को बुड़ाम थाना अंतर्गत में, जिसमें कि प्रथम दृष्टया ऐसा लोगों का कहना था कि शायद ये जो है UD कांड का मामला है, परंतु थाना प्रभारी ने और मतलब इसमें तत्परता दिखाई, उन्होंने देखा कि शरीर में कहीं कहीं चोट के निशान थे, तो उसके लिए हम लोगों ने उसमें कांड दर्ज किया और उसको UD नहीं किया। उसके बाद जब जांच कर अनुसंधान के क्रम में एक टीम बनाई गई और उसमें फिर ये पता लगा कि ये जो व्यक्ति था इसकी मृत्यु जो है वो प्राकृतिक या नेचुरल नहीं थी, इसके इस व्यक्ति को मारपीट किया गया था। जामताड़ा सदर ब्लॉक के जामताड़ा में आजसू पार्टी का एक दिवसीय हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत धरना प्रदर्शन किया गया। जिला अध्यक्ष राजेश महतो के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के निमाई सेन अशोक सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता संघ आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव तरुण गुप्ता मौजूद रहे, जहाँ कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव तरुण गुप्ता ने कहा कि आजसू पार्टी लगातार झारखंड में हल्ला बोल के तहत जनहित में आवाज़ उठा रही है। झारखंड में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, सरकार के कुशासन के विरोध और जामताड़ा प्रखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता इस हल्ला बोल कार्यक्रम में शामिल हो रही है।
लेकर हल्ला बोला आज कार्यक्रम। देखिए 10 सूत्री मांग अपना, एक तो क्या है कि 4 महीने से पेंशन का भुगतान नहीं हो रहा था, लगातार कार्यक्रम में आपकी पार्टी हल्ला बोल कार्यक्रम कर रही है, सरकार के कुशासन के विरुद्ध में प्रखंड विकास परिसर में जो प्रखंड मुख्यालय है उनमें व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध, जो गरीबों का जो अभुआ आवास हो, चाहे आप पेंशन का मामला हो, चाहे मनरेगा का मामला हो, आप देखेंगे कि यहाँ का जनता त्राहिम त्राहिम है, प्रशासन के लोग। जमशेदपुर में भारतीय जनता पार्टी जिला की ओर से जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 123वीं जयंती के मौके पर जमशेदपुर महानगर के द्वारा साक्षी भाजपा कार्यालय में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष सुधांशु ओझा ने कहा कि अब तक के जमशेदपुर भारतीय जनता पार्टी के जिला के जिलाध्यक्ष के द्वारा एक पेड़ माँ के नाम कार्यालय के बगल में लगाया गया है। ये पेड़ रुद्राक्ष, लाल चंदन जैसे औषधीय पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक संदेश दिया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जिला के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के आह्वान पर पिछले 23 जून से लेकर आज 6 जुलाई तक पूरा एक पखवाड़ा का कार्यक्रम था। समाज में रचनात्मक कार्यक्रम है। हमारे आराध्य पुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पुण्यतिथि 23 जून को थी, आज उनका जन्म जयंती है। इन 15 दिन के बीच भारतीय जनता पार्टी रचनात्मक काम बहुत। जमशेदपुर में भारतीय जनता पार्टी सुंदरनगर मंडल के द्वारा खराब सड़क को लेकर एक दिवसीय धरना दिया गया और झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार पर जमकर बरसे। बताया जा रहा है कि करंडी चौक से लेकर शीतला चौक पर सुडी मुख्य सड़क में पानी की पाइपलाइन अंडरग्राउंड बिछाने के दौरान खोदी गई सड़क को केवल गड्ढों को सिर्फ मिट्टी से ही भरकर छोड़ दिया गया, जिससे बारिश के समय सड़क जो है वो गड्ढों में तब्दील हो गई, जिससे लोगों को आवागमन में काफ़ी दिक्कत हो रही है और आए दिन दुर्घटना हो रही है। अध्यक्षता में चंचल चक्रवर्ती की अध्यक्षता में करंडी चौक से कसौटी शीतला मंदिर चौक तक सड़क की स्थिति बहुत ही दुर्दशा है। पिछले जो भारतीय जनता पार्टी के रघुवर सरकार थे उस समय इस सड़क का निर्माण हुआ था। उसके बाद जो यहाँ का जो गठबंधन सरकार है राज्य में JMM और कांग्रेस राजद की सरकार, उसने आज तक न ही कोई विकास का काम किया है, ना ही कुछ विकास योजना क्षेत्रों में चलाया जाए। राष्ट्रीय जनता दल झारखंड प्रदेश के द्वारा आज प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव शामिल हुए। मौके पर उन्होंने कहा कि झारखंड प्रदेश में लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रत्याशी की हर तरह की समीक्षा की जा रही है। सही क्रम का पता लगाकर ये कोशिश की जाएगी कि आगामी विधानसभा चुनाव में उसे दूर कर लिया जाए, ताकि RJD का प्रदर्शन बेहतर से बेहतर हो सके। उन्होंने कहा कि झारखंड में विधानसभा चुनाव है, जिस पर हम लोग 22 सीटों पर अपना दावा महागठबंधन में पेश करेंगे। हालांकि अंतिम फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ही लेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम सागर राणा, प्रदेश अध्यक्ष संजय प्रसाद यादव, प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर मनोज यादव सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सब मिलकर के बनाए हैं और जो बनाए हैं वो नेतृत्व में जो है भरोसा के साथ बनाए हैं, और हम सब लोग जो है आज में भी मिलने के लिए जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री। तो अलग की बात है, देखिए जो बात बोल रहे हैं बात है, जैसे अभी सत्ताधारी विधायक दल की बैठक हुई उसमें आपके हाथ से संगठन से कोई नहीं, अगर कमियां। पाकुड़ में हिरणपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लक्ष्मी मंदिर में चोरी करने वाली दो चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल हिरणपुर लक्ष्मी मंदिर के मुख्य गेट का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। चोरों ने माता के सोने की परत, चांदी के मुकुट सहित हजारों के सोने चांदी के आभूषण चुरा लिए थे। हिरणपुर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चोरी करने वाले दो चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मंदिर में चोरी हुई आभूषण को बरामद कर लिया है। साथ ही इन चोरों के पास से अन्य जगह पर की गई चोरी के मोबाइल, चोरी की बाइक भी बरामद कर ली गई है। मामला दिनांक 5-7 की मध्य रात्रि में हिरणपुर थाने के प्रसिद्ध लोटस मंदिर में अज्ञात चोरों के द्वारा मंदिर के अंदर घुसकर और देवी माता का गहना जोड़ा चोरी कर दिया। यह एक दुखद घटना थी।
लेकिन नारायणपुर थाना प्रभारी नवीन कुमार एवं उनकी टीम की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम होगी। नीति आयोग द्वारा संचालित संपूर्णता अभियान की शुरुआत आज बोकारो के डीसी कार्यालय के सभागार में की गई। स्वास्थ्य पोषण कृषि सामाजिक विकास और शिक्षा जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक 3 महीने तक चलने वाले संपूर्णता अभियान की शुरुआत उपायुक्त विजय जाधव और उप विकास आयुक्त गिरिजा शंकर प्रसाद ने दीप प्रज्वलित कर की है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीसी ने उपस्थित कर्मियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी है। इसीलिए हम बार 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 जो स्वास्थ्य विभाग और महिला सुरक्षा को जो बोल रहे हैं, सामाजिक सुरक्षा को जो बोल रहे हैं कि आप एंटीनेटल चेकअप पे जोर दीजिए। एंटीनेटल चेकअप में आपके लिए जो सबसे प्रभावी जो एम है, जो अभी एंटीनेटल चेकअप करना है, ये आइडियल सिचुएशन को हम जब प्रैक्टिकलिटी में उतारते हैं तो वो कहाँ डाउन होता है? VHS सेंटी बड़ा। साहिबगंज में गंगा नदी में नहाने गया तेज बहाव पानी के कारण बेकाबू होकर गंगा नदी के आगोश में समा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बता दें कि सिविल इंजीनियर की तैयारी कर रहे 17 वर्षीय बोकारो के रहने वाले साहिबगंज राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज साहिबगंज के एक छात्र साहिबगंज के बिजली घाट स्थित गंगा नदी में नहाने गया था, जिस दौरान डूबने से उसकी मौत हो गई। इसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा नगर थाना को सूचना दी गई। मौके पर नगर पुलिस ने पहुंचकर गोताखोरों की मदद से छात्र को बाहर निकाल लिया। साहिबगंज सदर अस्पताल लाया गया, जहाँ ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर पिंकू चौधरी के द्वारा छात्र को मुर्दा करार दे दिया गया। स्टूडेंट है सिविल का था। क्या नाम है उसका? जयमराज। कहाँ घर है? बोकारो। क्या कुछ घटना हुआ था वहाँ पर? सब हमें लोग एक साथ स्नान कर रहे हैं। कितना लोग? लगभग 18-19 स्टूडेंट थे। हाँ, तो उसी में हम तो ऊपर में नहा के हम तुरंत डूब के उठ के नहा के पहन के बैठे हुए थे, तो हम लोग तैरने भी नहीं आता था, लेकिन तीन लड़का शायद बोल रहा था कि तीन लड़का डूब रहा, हमको भी पता नहीं था, तो वही लोग हम मोबाइल चला रहे थे। जमशेदपुर में सर्वदलीय जन एकता मंच के प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त कार्यालय में पहुंचकर कदवा में रातोंरात हो रहे अवैध निर्माण का विरोध किया है। उपायुक्त से साथी कार्रवाई की मांग की है। सर्वदलीय जन एकता मंच के प्रतिनिधिमंडल ने आज उपायुक्त कार्यालय के समक्ष रातोंरात कदमा में हो रहे अवैध निर्माण का विरोध किया है, जहां प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा है। सौंपे गए ज्ञापन में उन्होंने उपायुक्त से कदमा स्थित मेन रोड गोलचक्कर के पास पुराना फूड प्लाजा के पास रातोंरात शेड डालकर फ्लोर ढुलाई कर दुकान मकान और ऑफिस बनाने का काम चल रहा है, इस अवैध निर्माण को जल्द से जल्द रोकने की मांग की है। शहर में यहाँ रसूखदारों के लिए अलग कानून है, अलग नीति है, अलग संविधान, अलग विधान है, गरीब लोगों के लिए अलग है। एक तरफ जहाँ रोड रास्ते में जो ठेला वाला, रिक्शा वाला, सब्जी वाला जो अपने घर का रोजी रोटी पालते हैं, उनको देखिएगा टाटा प्रबंधक के द्वारा, इनके गुंडों के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा गुमटी को तोड़ा जा रहा है, हटाया जा रहा है। पाकुड़ जिले के महेशपुर थाना इलाके के सीलमपुर के पास महेशपुर पुलिस ने एक बाइक समेत डिग्गी में भरे 500 विस्फोटक पदार्थ डेटोनेटर के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि महेशपुर SDPO विजय कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि पाकुड़िया के एक व्यक्ति बाइक से विस्फोटक पदार्थ ले जा रहे हैं, और जिसको लेकर महेशपुर थानेदार सन्नी सुप्रभात के नेतृत्व में पुलिस बल और सुभाष शाह बिहारी सिंह जय कुमार दलबल के साथ छापेमारी करने पहुंचे और सीलमपुर से एनुल हुसैन को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। छानबीन में 500 पीस डेटोनेटर बरामद हुए हैं। पुलिस बाइक जब्त कर महेशपुर थाना ले आई है। हाईकोर्ट के निर्देशानुसार हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह ने डिस्ट्रिक्ट मोड़ इंद्रपुरी चौक कल्लू चौक बस स्टैंड की जगह पर खुद जाकर ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने वालों पर सख्त कार्रवाई की है। पुलिस कप्तान ने यह बताया कि घर से निकलें तो आप पुलिस के डर से नहीं, आप अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट ज़रूर पहनें और आपकी सुरक्षा ज़रूर करेगा। जब भी बच्चों को छोड़ने स्कूल आएँ तो ज़रूर हेलमेट पहनें, ट्रैफिक नियमों का पालन ज़रूर करें, साथ ही 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वाहन न चलाने दें। पुलिस कप्तान ने यह भी बताया कि हम लोग ट्रैफिक से संबंधित प्रचार प्रसार भी करवा रहे हैं और पेट्रोल पंप वालों को भी निर्देश दिया गया है कि बिना हेलमेट वालों को पेट्रोल ना दें। बैरमो अनुमंडल के पेटरवार ब्लॉक के हाई स्कूल के मैदान में आदिवासी ग्राम सभा मंच की अगुवाई में बैरमो अनुमंडल के सभी आदिवासी समाज के लोग जुटे और
महली जा रहा शादी में दिनांक 5/5/2024 को आठमाड़ की 8 वर्षीय बच्ची के साथ कुछ दरिंदों ने रेप कर जान से मारकर झाड़ियों में फेंक दिया और दोषी को अभी तक पुलिस के द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसको लेकर धरना प्रदर्शन किया गया और धरना प्रदर्शन को लेकर बैठक में ये निर्णय लिया गया कि आज धरना प्रदर्शन स्थगित कर पेटरवार हाईस्कूल के मैदान में प्रखंड कार्यालय तक सांकेतिक रैली निकालकर प्रशासन से गुहार लगाई जाएगी कि 20 दिन के अंदर अपराधी को पकड़कर जेल में डालने का काम करें, अन्यथा उग्र आंदोलन करने के लिए आदिवासी समाज बाध्य होगा। झारखंड की उपराजधानी दुमका की शिकारीपारा प्रखंड में 1 वर्ष से अनियमित विद्युत सेवा और स्थानीय विद्युत मिस्त्री के लापरवाह सेवा से परेशान बहुल आदिवासी ग्राम पंचायत सोनाडाब और जामगुड़िया पंचायत अंतर्गत ग्राम घैला पाथर, विरजापुर, सुलुंगा, धर्मपुर, सुगनीबासा, काड़ाकाटा, राजपाड़ा सहित दर्जनों ग्रामीण ने आज समाज सेवी हाबिल मुर्मू को आमंत्रित कर अनियमित विद्युत सेवा और विद्युत मिस्त्री के लापरवाह के संबंध में अपने आप बीती सुनाई। बेड़ो के महादानी मैदान स्थित विवाह मंडप में मांदर विधानसभा मेधार्थी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें 180 छात्रों को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। मौके पर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि आप लोग सफलता के पहले पड़ाव में हैं। सफलता के लिए जीवन में दो चीज़ें अपनाएं, एक अनुशासन, दूसरा हर दिन बेहतर प्रयास। आप 3 से 4 साल आपको अपने लक्ष्य की मंजिल मिल जाएगी। आप पढ़े लिखे लेकिन अपने आदर्श और सिद्धांत से समझौता नहीं करना है। उन्होंने आगे कहा कि मैंने शिक्षा में बेहतर करने के लिए मांडर कॉलेज और बेड़ो कॉलेज में 13-13 करोड़ दिलाया है। इस दौरान कई लोग मौजूद रहे। और बता दें कि राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा वन महोत्सव मनाया गया है, जिसकी शुरुआत एक पेड़ माँ के नाम अभियान के साथ शुरू की गई है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानाचार्य लक्ष्मी नारायण ने की है। वन महोत्सव सप्ताह 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक हर वर्ष आयोजित किया जाता है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के दरमियान एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की थी। इस अंतर्गत कॉलेज प्रांगण में पौधे बरगद, पीपल, नीम, अशोक, सांगवान आदि लगाकर इसकी शुरुआत की गई है। और शव दफनाए जाने के बाद 2 समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। हालांकि विवाद को देखते हुए मौके पर पुलिस और सीओ ने पहुंचकर विवाद को शांत करवा दिया। ये मामला सियालझोरी थाना इलाके के चंदाहा गांव का है। चंदाहा गांव निवासी भादु देवी अपने पूरे परिवार के साथ बोकारो के अपर समाहर्ता से मिलकर न्याय की गुहार लगाई हैं। भादु देवी के बेटा निर्मल दिगर ने बताया कि हल्का 5 से खाता संख्या 219 के प्लॉट नंबर 1705 उनके पिता के नाम से है, जिस जमीन में विशेष समुदाय के लोगों ने शव दफना दिया था। जबकि सीओ ने भूमि की मापी भी करवाई लेकिन शव को जमीन से निकलवाया नहीं जा सका। अधिकारी ने मामले की जांच के बाद आदेश दिए हैं। सीओ के मुताबिक जमीन की दावेदारी दोनों पक्षों ने पेश की है। मुंसिफ जोहार में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।